तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग मैकेनिकल से आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक करते हैं तो उन लोगों को क्या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमने डीजल से आईटीआई की है तो क्या हम लोगों को मतलब जो डीजल से ट्रेन चलती है यानी कि डीजल का जो इंजन रहता है वही मिलेगा या फिर हमें इलेक्ट्रिक भी मिल सकता है। और जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल से किया उनके मन में ये डाउट रहता है कि हमें डीजल इंजन चलाने को मिलेगा या फिर नहीं। तो आइए इस टॉपिक पर आपको डिटेल में बताते हैं कि किस लोको पायलट को कौन सा जो ट्रैक्शन है वो किस आधार पर अलॉट होता है। आपको भी पता होगा अपने इंडियन रेलवेज में दो तरह के जो लोकोमोटिव है वो यूज़ किए जाते हैं। अभी फ़िलहाल में जो वर्तमान में हमारे यहाँ लोकोमोटिव चलते हैं वो चलते हैं इलेक्ट्रिकल और डीजल इंजन वाले, यानी कि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलाता है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और जो डीजल लोकोमोटिव को चलाता है उनको बोलते हैं डीजल ट्रैक्शन। और इसी तरीके से हमारा जो लोको पायलट और एएलपी होते हैं ये भी दो कैटेगरी में बटे हुए रहते हैं, जिसमें कि पहला डिपार्टमेंट आता है आपका इलेक्ट्रिकल और दूसरा आता है मैकेनिकल। अब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में होता क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड लोकोमोटिव है वो सब इनको चलाने को मिलते हैं, और जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले रहते हैं उन लोगों को मिलते हैं डीजल इंजन। तो ये तो हो गया इन दोनों को कौन से लोकोमोटिव मिलते हैं। सेम इसी तरीके से जो लोको पायलट और एएलपी होते हैं इनको भी दो तरीके के डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, पहला है अपना इलेक्ट्रिकल और दूसरा है मैकेनिकल। देखिए आपने ये तो समझ लिया कि दो तरीके के जो डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें कि अपने लोको पायलट और एएलपी काम करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ, जब आप एएलपी के लिए अप्लाई करोगे उस टाइम पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें आपकी आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक होती है, जिसमें कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन ली है उसके आधार पर आप वहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप अप्लाई कर देते हो उसके बाद में आपका सब कुछ काम खत्म हो जाता है, सब जो भी काम रहता है वो डिपार्टमेंट का रहता है यानी कि उनके ऊपर रहता है उनको क्या करना। देखिए इसमें होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रिकल से आईटीआई की है और उसने अप्लाई कर दिया, अब जिस जोन से उसने अप्लाई किया अब वो लोग क्या करेंगे, इनको ट्रेनिंग पे भेजेंगे। ट्रेनिंग पे भेजेंगे तो अब देखिए वो लोग या तो इलेक्ट्रिकल वाले लोकोमोटिव की ट्रेनिंग पर भेजेंगे या फिर डीजल वाले के पे भेजेंगे। अब अगर इन्होंने इलेक्ट्रिकल से आईटीआई किया उसके बावजूद भी इन लोगों को वो डीजल इंजन में ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का जो ट्रेनिंग सेंटर होगा वो हुआ तो उसमें भेजेंगे, यानी कि ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग किस आधार पर हुई है। आपकी ट्रेनिंग अगर डीजल इंजन में हुई है तो आपको डीजल इंजन मिलेगा, अगर आपकी ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक इंजन में हुई है तो आपको इलेक्ट्रिक इंजन मिलेगा। ये क्वालिफिकेशन के आधार पर डिसाइड नहीं होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो लोग डीजल मैकेनिक से आईटीआई कर लेते हैं या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक से आईटीआई कर लेते हैं उन लोगों की भी जब इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग हो जाती है तो उसके बाद में उन लोगों को भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिल जाते हैं। मान लीजिए कोई सा जो जोन है उसमें डीजल इंजन भी चलते हैं और इलेक्ट्रिकल भी चलते हैं, तो वो क्या करेंगे, पहले या तो इलेक्ट्रिक करवा देंगे या फिर डीजल करवा देंगे या फिर हो सकता है दोनों साथ में भी ट्रेनिंग करवा दें। ऐसा भी बहुत सी जगह पॉसिबल हो जाता है, जिससे कि जो लोको पायलट है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी चला सकता है, इसके अलावा जो डीजल वाली ट्रेन होती है डीजल इंजन जो होता है उसको भी वो चला सकता है। यानी कि टोटली ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग किस जगह पर हो रही है। अगर आपकी जो ट्रेनिंग है वो डुअल ट्रैक्शन पर हुई है तो आपको दोनों लोकोमोटिव चलाने को मिलेंगे। और आजकल तो आपको जैसे पता होगा जो डीजल इंजन है वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सारे जो लोकोमोटिव है वो आपको इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव देखने को मिलेंगे हर जगह। देखिए अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि अगर ऐसा होता ही है जब डुअल ट्रैक्शन की जो ट्रेनिंग है वो होती है तो फिर लोको पायलट को एक ही ट्रेनिंग क्यों दी जाती है। देखिए इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर मान लीजिए किसी जोन में जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वही चल रहे हैं, अगर वहाँ पर उन लोगों को डीजल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, जिसकी वजह से उन लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिकल और डीजल दोनों इंजन चल रहा है तो फिर उस जगह पर ड्यूअल ट्रैक्शन जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है, जिसमें कि थोड़ा बहुत उनका जो समय ट्रेनिंग का वो ज़्यादा लगता है। और देखिए इसके अलावा एक डाउट और भी रहता है लोगों के मन में कि जो लोको पायलट होते हैं इलेक्ट्रिक और डीजल वाले, क्या इनकी सैलरी में भी कोई अंतर होता है या फिर नहीं। तो आपको बता दूं कि इनकी सैलरी में कोई भी अंतर नहीं होता है, इनकी जो सैलरी वगैरह सब कुछ काम सेम टू सेम रहता है, बस थोड़ा बहुत अंतर जो है लोकोमोटिव में आ जाता है। तो आइए आपकी वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।